हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमाज क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ब्यूटीफुल तरीके से फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। तो आप देख रहे हैं, ये उभरा हुआ फ्लावर है और यूं तो ये इन्वर्टेड बटन होल स्टिच के साथ मैंने इसको बनाया है, लेकिन ये इसकी लुक जो है वो पुफा स्टाइल है। जैसे एक पफ होता है ना, उस तरीके से ये फ्लावर बनता है। ये बनाना बहुत आसान है, मैं आपको सिखाऊंगी कि इसको कैसे वर्क किया जाता है। इसको हम राउंड शेप में बनाते हैं और इसके साथ हम मिरर्स भी लगा सकते हैं। मैंने इसी स्टाइल से मिरर भी एक लगाया है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी कि इसको कैसे वर्क किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये स्टिच सीखेंगे कि इसको कैसे हम वर्क करके एक सुंदर सा फ्लावर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे। आप जितना बड़ा फ्लावर बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आप सर्कल बना लीजिए। सर्कल बनाने के बाद हम इस पे आउटलाइनिंग पे बैक स्टिच करेंगे। इसके लिए मैं एंकर की 6 स्ट्रैंड यूज कर रही हूं। आप बैक पे जाएंगे और फिर आगे। जब हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक जगह नीडल को यूं निकाल लेंगे। अब हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। इसके ऊपर वर्क करने के लिए हम हर स्टिच को यूं उठाएंगे और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इन्वर्टेड बटन होल स्टिच आप इसको बोल सकते हैं। ऐसे ये देखिए, नेक्स्ट स्टिच लेंगे, इसको भी हम यूं ही इन्वर्टेड होल बटन होल स्टिच करेंगे। बटन होल स्टिच में हम थ्रेड को सिंपली आगे ऐसे घुमाते हैं, लेकिन इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हम पूरी रो को ऐसे ही वर्क कर लेंगे। तो ये देखें, ये लास्ट स्टिच है, इसको भी हम यूं ही उठाएंगे और थ्रेड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब आप देख रहे हैं कि ये हमने जो स्टिचेस लिए थे इनके बीच बैक में एक स्टिच बनता है। ये देखिए, ऐसे ऐसे और ये। अब इन स्टिचेस को उठाते हुए हम दोबारा से वर्क करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टिच हमारा ये है, तो हम इसको यूं एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और स्टिच ले लेंगे ऐसे। अब इसी तरीके से हम ये वाला स्टिच उठाया है, अब हम ये स्टिच उठाएंगे। मेथड वही है, हम अपने थ्रेड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये देखिए, यहां से हमने उठाया, अब हम ये वर्किंग स्पेस जो हमारी नेक्स्ट दिख रही है ये उठाएंगे। बस इसी तरीके से हम सेकेंड रो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी सेकेंड रो भी यहां पे कंप्लीट हो रही है। ये हमारा लास्ट स्टिच है। अब हम थर्ड रो पे वर्क करेंगे सेम उसी तरीके से। हम हर वर्किंग स्पेस में से नीडल को पास करेंगे और हम थर्ड रो भी कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से हम चार पांच रोज जो हैं वो हम इसी मेथड से कंप्लीट करेंगे। हर स्टिच को उठाएंगे और उसको एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड को घुमाते हुए इन्वर्टेड बटन होल स्टिच करके हम ये मोटिफ बनाएंगे। तो ये देखिए, हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट होने जा रही है। अब हम फोर्थ रो जो है वो भी इसी तरीके से वर्क करेंगे।
हमने अभी कोई भी स्टिच मिस नहीं करना है, हर वर्किंग स्पेस में हम ये कर रहे हैं। ये देखें, ये यूं एक सैक सा बन जाएगा और एंड में जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो हम इसके ऊपर वाले स्टिचेस को टाइटली स्टिच कर लेंगे और फिर एक फ्लावर की लुक देंगे। तो सबसे पहले हम इसको स्ट्रेट वे एक सैक सा बना लेंगे। तो ये देखें, हमारी यहां पे फोर्थ लाइन भी फिनिश होने जा रही है और अभी भी हमारा सेंटर में काफी स्पेस बचा है, इसलिए हम इसको फिफ्थ लाइन को भी इसी तरीके से वर्क करेंगे। यहां से हम अपनी फिफ्थ लाइन शुरू कर रहे हैं। ये देखें, ये हमारी वर्किंग स्पेस है, यहां से हम अपनी फिफ्थ लाइन शुरू कर रहे हैं। बस इतना डिफरेंस है कि आपने अब स्टिचेस को थोड़ा टाइटली खींच के रखना है, लूज नहीं छोड़ना। ये देखें, ये यहां पे हमने स्टिच लिया, अब हम इसके नेक्स्ट वर्किंग स्पेस जो है यहां पे स्टिच लेंगे, लेकिन हम जो अपना स्टिच लेंगे उसका जो थ्रेड है उसको थोड़ा खींच के रखेंगे, ढीला नहीं छोड़ेंगे। ये देखें ऐसे, ये हमारी फिफ्थ लाइन भी कंप्लीट होने जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये बीच में से हॉलो बन रहा है, ऐसे सैक सा बन रहा है, ये जैसे सैक होता है उस तरीके से। ये देखें, अब हमने इसको इकट्ठा करने की कोशिश करनी है कि ये इकट्ठा हो जाए। तो उसके लिए अब हम स्टिचेस जो है, हम फिफ्थ लाइन तक तो हमने इसको नॉर्मली हर स्टिच के बीच में स्टिच लिया है, लेकिन अब हम इसको एक एक स्टिच जो है वो मिस कर देंगे। ये देखें, यहां पे हमने लगाना था, यहां नहीं लगाएंगे हम, इसके नेक्स्ट स्टिच में इसको यूं एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड को घुमाएंगे और इसको कस के रखेंगे थ्रेड को, ताकि अब आगे ऊपर इकट्ठा होता चला जाए। ये देखें, ये वाली स्पेस जो है इसको हम मिस करेंगे और नेक्स्ट स्पेस पे हम वर्क करेंगे। हमें इसके बाहर का जो रिम है वो फ्लफी चाहिए। ये देखें, यहां पे हमने वर्क किया, ये छोड़ेंगे और यहां पे अब हम वर्क करेंगे। ये देखिए, हम इसको एंड तक वर्क करेंगे जब तक ये पूरा छेद जो है वो फिनिश ना हो जाए, कपड़ा नीचे से नहीं दिखे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ये छोड़ेंगे और नेक्स्ट पे हम इसको यूं। तो आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट छेद जो है वो हमारा बंद हो गया है। अगर हम इसको ऐसे प्रेस करते हैं तो ये बाहर की तरफ ऐसे फ्लफी सी एक लेयर बनती है। ये देखिए, आपको अच्छे से दिख रहा है। अगर आपको ये और मोटी या उभरी हुई चाहिए तो आप पांच की जगह छह लाइनों में भी ये वर्क कर सकते हैं। अब ये पूरा फ्लावर जब बन जाएगा तो हम सेंटर में इसको नीचे ले जाके यूं टकिंग कर देंगे। हम सेंटर में इसको यूं नीचे ले जाके टकिंग कर देंगे ऐसे। अब हम एक जगह से सुई को निकालेंगे और सेंटर में बीड लगाएंगे। ये देखिए ऐसे, इसको यूं यहां पे टक कर। तो आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल फ्लावर बना है उभरा हुआ। ये देखें, आप ऐसे ही फ्लावर्स बना के रोज में नेकलाइन पे बना सकते हैं या स्केटर्ड मोटिफ में बना सकते हैं, या आप किसी भी प्रोजेक्ट में इनको यूज कर सकते हैं। मल्टी कलर नेकलाइन पे अगर ऐसे फ्लावर्स बनाएंगे तो ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देंगे। अब इसी स्टाइल से हम ये बड़े वाला मिरर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जो हमारे पास प्लास्टिक मिरर है इससे हम आउटलाइनिंग ड्रॉ कर लेंगे। आउटलाइनिंग ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले हम इस पे बैक स्टिच करेंगे, लेकिन यहां पे हम बैक स्टिच थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि जाली का इफेक्ट मिरर के ऊपर अच्छा दिखाई दे। ये देखें, बैक स्टिच हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहां से इसको नीडल को निकालेंगे।
अब जिस तरीके से हमने पहले वर्क किया था उसी तरीके से हम हर एक स्टिच को उठाते हुए यूं एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड को घुमाएंगे और बटन होल स्टिच करेंगे। अब यूं कह सकते हैं कि हम इन्वर्टेड बटन होल स्टिच कर रहे हैं। हम टू रोज को ऐसे ही वर्क करेंगे। बस आपने थ्रेड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और हर स्टिच को उठाना है, और थ्रेड को आप देख रहे हैं ना बहुत ढीला रखना है ना बहुत टाइट करना है। ये देखें हमारी लास्ट स्टिच जो है इसको भी मैंने यूं ही वर्क कर लिया। अब हम नेक्स्ट रो जो है ये जो हमारी नेक्स्ट रो बन रही है इसको हम वर्क करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं हर स्टिच के पीछे एक वर्किंग स्पेस है। इस वर्किंग स्पेस को हम उठाएंगे और यूं एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए ये स्टिच लेंगे। अब ऐसे ही हम ये पूरी रो सेकेंड रो जो है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखें ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट होगी। अब हम जो थर्ड रो है इसको भी हम हाफ बना लेंगे। इसी तरीके से बनाएंगे जैसे हम वर्क कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट हाफ जो है वो और बन गया। अब हम ये जो मिरर है इसको इसके बीच में यूं पुश कर देंगे ऐसे। देख रहे हैं आप, अब हम इसके साथ साथ वैसे ही वर्क कर रहे हैं जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे। ये रो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एक रो और हम इसकी बनाएंगे। जितना ज्यादा आपको इफेक्ट चाहिए उतनी दूर तक आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर आप पूरा फिल करना चाहते हैं पूरा फिल करें, अगर आप हाफ फिल करना चाहते हैं तो हाफ फिल करें, और अगर आप थ्री या फोर लाइन फिल करना चाहते हैं तो आप उतना फिल करें। जितना इफेक्ट आपको अच्छा लगे आप उतना फिल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहां से शुरू किया था और यहीं मैं इसको फिनिश कर रही हूं। मैंने सिर्फ इतना ही बनाना है, मुझे बहुत ज्यादा भरा हुआ अच्छा नहीं लगता क्योंकि मिरर का इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो फोर लाइंस में मैंने इसको वर्क किया है और यहां ये मेरा लास्ट स्टिच है। अब मैं इस थ्रेड को यूं आहिस्ता से अंदर ले जाऊंगी और इसको यहां पे नीचे को ले जाके फिनिश कर दूंगी। ये मिरर बिल्कुल नहीं निकलेगा ये देखें, क्योंकि मैंने स्टिचेस उतने ही लिए हैं लेकिन थ्रेड को टाइट करती चली गई। पहले मैंने लूज स्टिचेस लिए फिर मैं उनको टाइट करती चली, और एंड वाली रो में मैंने खूब अच्छे से कस के स्टिचेस लिए हैं ताकि ये मिरर बाहर ना निकले। ये देखें, तो आप चाहें तो इसको एक और लाइन एक और रो या आप पूरा भी कंप्लीट कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। अब हम इसको और अच्छा ब्यूटीफुल लुक देने के लिए इसके बाहर माउंट मेलिक स्टिच भी कर सकते हैं। माउंट मेलिक स्टिच बनाने के लिए हम सबसे पहले यहां से थ्रेड निकालेंगे। मैं इसको डिफरेंट कलर से कर रही हूं और इसको यूं एक डायगोनल स्टिच लेंगे इस तरीके से, और इसको बिल्कुल इस मिरर के साथ ऐसे। ये डायगोनल स्टिच जो है इसको हम फिर यूं सिंपली उठा लेंगे। उठाने के बाद हम इसका बेस स्टिच, यहां से हमने पहला स्टिच लिया था उस पॉइंट से लेके ये जो नेक्स्ट स्टिच हमने जो लिया है यहां तक, हम इसको हम यूं थ्रेड को आगे करते हुए एक स्टिच लेंगे। ऐसे और फिर से हम देखें ऐसे ही वर्क करते हुए यहां पे एक स्टिच लेंगे, डायगोनल स्टिच लेंगे और इस स्टिच को यूं ही उठा लेंगे। और फिर उसके बाद ये जो पहला स्टिच था हमारा, ये देखें यहां से इस स्टिच तक हम इसको आगे थ्रेड करके यूं वर्क करेंगे। फिर दोबारा से हम यूं डायगोनल स्टिच लेंगे मिरर की तरफ ऐसे, और इस स्टिच को यूं उठाएंगे।
मैंने माउंट मेलिक स्टिच आपको पहले भी सिखाया है, आप चाहें तो मेरे पीछे वाले ट्यूटोरियल्स में जाके इसको अच्छे से सीख सकते हैं। और इसका फ्रिंज जो है इस मिरर के चारों तरफ बनाएंगे तो मिरर और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। इसी तरीके से हम ये पूरा वर्क करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना ब्यूटीफुल मिरर लगा है। ये मेरा स्टाइल है बनाने का, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये पुफा स्टाइल ऑफ स्टिचिंग जो एम्ब्रॉयडरी मैंने फ्लावर्स बनाए हैं, ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है और बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स बनते हैं। आप इनको अपनी नेकलाइंस पे कहीं पे भी, कुर्ती पे, दुपट्टास पे, स्केटर्ड मोटिव में कहीं पे भी बना सकते हैं। और इसी तरीके से ये जो मिरर है मैंने वो भी इसी तरीके से लगाने की कोशिश की और इफेक्ट आपके सामने है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत मार्वलस। आप इसको जरूर ट्राई करें, ये आपको आपकी कुर्तीज को, आपके दुपट्टास को चार चांद लगाएगा। तो आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप इस एम्ब्रॉयडरी को जरूर ट्राई करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।